सामग्री पहुंच जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खजनी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्रियों का वितरण कर शासन द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, इस दौरान खजनी विधायक संत प्रसाद, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हर गांव में हर परिवार को उपलब्ध कराएं, जहां पर लोगों को डायरिया आदि की शिकायत हो या इस प्रकार के स्थितियां चिकित्सीय टीम भेजकर के लोगों को तत्काल राहत दें और साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि उन क्षेत्रों में किसी को भी कोई समस्या न हो, ORS के पैकेट भी लोगों को उपलब्ध करवा करके उससे कहीं कोई समस्या होती है तो व्यापक जागरूकता के माध्यम से लोगों को बताना कि पानी गर्म करके ही छान करके तब पिए, बरसाती पानी पीने से नुकसान हो सकता है। ये भी व्यवस्था की जा रही है कल से कि हर क्षेत्र में स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, छिड़काव का, फॉगिंग का, जिससे मलेरिया है, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, इन सभी बीमारियों से भी लोगों को बचाया जा सके। एक विशेष अभियान एक सप्ताह का ये चलेगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, मकनों सभी अपने वरिष्ठ अधिकारी भेजे हुए हर जनपद में भेजते हैं, जो आकर के यहाँ पर इन सभी कार्यों के साथ जोड़ करके जनता के साथ मिल करके न केवल कोरोना महामारी के खिलाफ बल्कि बाढ़ के बाद होने वाली किसी भी संभावित बीमारी से रोकथाम करने में योगदान देंगे। हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पशुओं के चारे के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ अगर बाढ़ से जनहानि होती है तो 4 लाख रुपए पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवा दें। किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उसे 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। नदी की धारा में अगर किसी का पक्का मकान चला गया तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवा दें। पशुधन की हानि पर भी भैंस है, गाय है, बकरी, मुर्गी, इन सब के मरने पर भी या बाढ़ की चपेट या आपदा की चपेट में आने पर उन्हें भी आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी प्रशासन को कहा गया है कि अगर किसी किसान की या बटाईदार की आपदा के कारण मौत होती है, किसी जंगली जानवर के सांप के काटने से, किसी जंगली जानवर के काटने से उपद मृत्यु होती है तो उस परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। इस समय जब बाढ़ का पानी है, सांप के काटने की, बिच्छों, जंगली जानवर, आवारा कुत्तों के भी काटने की बड़ी शिकायतें होती हैं। इसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हर एक जगह
जो सांप के काटने का इंजेक्शन है, यानी एंटी स्नेक वेनम और कुत्ते अन्य जंगली जानवरों के काटने के कारण एंटी रेबीज जो वैक्सीन है, ये भी हर एक जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसी को भी परेशानी न हो।